प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पसमांदा समाज के लोगों पर कहा कि पसमांदा समाज के लोगों पर जुल्म हुआ है और भेदभाव हुआ है, और हमारे साथ कुछ पसमांदा समाज के लोग भी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह से भाषण कर देखें सुनना चाहते हैं, बता सकते हैं। नमस्कार, मैं औरंगजेब आलम निदेशी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज उत्तर प्रदेश। मुझे बहुत ही हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पे, जो इन्होंने पसमांदा के हक की आवाज़ उठाई और पसमांदा को टारगेट किया कि ये ऐसा एक तबका है जो 80% आबादी होने के नाते सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। वो पसमांदा केवल मुस्लिम ही नहीं, वो पसमांदा हमारे हिंदू भाई में भी आते हैं तमाम, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि माननीय मोदी जी हम पसमांदा समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को पूछ रहे हैं और उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग तमाम देश और प्रदेश में गांव ब्लॉक और हर एक डोर टू डोर कैंपेन करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रसीद जी के दिशा निर्देश द्वारा पहुंच पहुंच के हम लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समाज है, जो पसमांदा हिंदू और मुस्लिम समाज है, ये वाकई पिछड़ा हुआ है शैक्षिक के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, नौकरी के आधार पे, तो और सबसे बड़ी चीज़ राजनीति के आधार पे, लीडरशिप के। जो किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा था पहले? देखिए, भेदभाव इसमें उस तरह के वर्गों को कभी लाया ही नहीं गया, अवसर ही नहीं दिया गया। आज माननीय मोदी जी ने वो अवसर दिया है। अभी आप हाल ही के निकाय चुनाव को देख लें, इसमें लगभग 350 से 400 के बीच में टिकट दिया गया और हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कई नगर चेयरमैन को, पंचायत चेयरमैन को, सभासद को, पार्षद को ये जिता के साबित कर दिया कि मुसलमान, पसमांदा मुसलमान भी अब आगे बढ़ रहा है लीडरशिप में और अपने लोगों को अपने समुदाय से जिता के और अपने विकास के काम में साथ साथ चलने को तैयार है। किस तरीके का भेदभाव होता था पहले पसमांदा समाज के मुसलमानों का? देखिए, भेदभाव जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुँचती थी। 1 रुपया चलता था तो लोग बताते हैं 10 पैसा पहुँचता था। अभी आज क्या है कि महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, आपके आयुष्मान योजना का लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, जो टीकाकरण हुआ वो बिना भेदभाव देखे सबको टीकाकरण किया गया COVID-19 का। तो इस तरह के जन कल्याणकारी योजना बिना भेदभाव के सारे लोगों को पहुँचाया जा रहा है और उनको ढूंढ ढूंढ के पहुँचाया जा रहा है। कोई ऐसा अभी तक नहीं मिलता है कि नहीं मैं इससे वंचित हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। और ऐसे लोगों को हम लोग भी जब घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं हमारे साथी, तो उनको उस लाभ तक पहुंचाने का भी काम हमारे संगठन के लोग कर रहे हैं। जी, इस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री भाषण में कहा कि पसमांदा समाज के मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो किस तरह से आप देखा? देखिए, पसमांदा मुसलमान जो थे उनको एड्रेस नहीं किया किसी ने, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। शुरू से जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ की राजनीति हुई, उस राजनीति के बाद ये हुआ कि जो अपर क्लास मुस्लिम था, जो रिच क्लास मुस्लिम था, उसने उस पॉलिटिकल होल्ड को हमेशा रखा। उससे क्या हुआ कि एक इकोनॉमिकल और सोशल गैप बन गया, जो कि पिछड़ा जो तबका था उस तक कुछ पहुँचा ही नहीं। मोदी जी की ये जो मुहिम है ये उनको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। ये हमारे लिए और उन लोगों के लिए स्पेशली जो छूट गए उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक अपॉर्चुनिटी है मेन स्ट्रीम में आने के लिए, भारत पढ़ रहा है, भारतीय भारत में साथ में खड़ा होने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज बार बार मिल जाती है। इस तरह से देखते हैं आप पसमांदा मुसलमान जी, आप बताइए किस तरह से पसमांदा मुसलमान भी काम जो हो रहा है, पसमांदा मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आज मोदी जी ने कहा कि पहले पसमांदा मुसलमानों की भेदभाव हुआ है, उपेक्षा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो हुआ है लेकिन अब सही हुआ है, अभी जाके सही हो रहा है, अब ठीक हो गया जी। इनका कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं तब से पसमांदा समाज के
मुसलमानों का उत्थान हुआ है, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं मिली है इन तक पहुंची है, आज के डेट में शिक्षा स्वास्थ्य और सब कुछ इनको लाभ मिल रहा है बलिया से मुकेश मिश्रा, TV9।